आज रायन सार साहब के पास आए हैं, तो अभी स्कूबा फील करने जा रहे हैं। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दिया जाए स्कूबा फीलिंग। राय साहब इसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? थोड़ा सा टाइट रखना चाहिए, ओरिंग चेक करना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई नहीं, उसमें असान टाइट रखना है और ये चेक करना है कि इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा था, प्रेशर ना बना। ठीक है, ये कंप्रेसर का भी थोड़ा तारफ करवा दें। जो सारे उन्हें दस रही है ना जी, 240 बार है। ठीक है, असान 310 बार कर, 310 बार कर। सर ये जर्मनी ना जी, जर्मन मेड है। ठीक है, और ये 480 बार तक मैं तुम्हें ठीक हो दे सकता हूँ। 480 कितने पर मिले? ये तो किसी ने 310 बस। अच्छा जी, ये बात साथ नोट कर लें जी, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर और इसके साथ मलेका इलाकों में जितने भी दोस्तों ने स्कूबा रखा हुआ है, आप उनको रावलपिंडी और गुजरांवाला जाने की ज़रूरत नहीं है। जेलम मंडी बाउद्दीन और ये जो सराय आलमगीर के दोस्त हैं नज़दीक है, जो मीरपुर के नज़दीक हैं, वो राय साहब से स्कूबा फिल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह रब्ता कर लें, नीचे नंबर मैं दूँगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं। स्कूबा आपने फिल करवाना हो तो ज़रूर रब्ता करें। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया।
ये अभी ये टाइट है, बाहर निकलेगी। ये लें जी, आपका स्कूबा फील हो गया, फील हो गया, जबरदस्त 300 बार बिल्कुल जबरदस्त।